आइए ज्योग्राफी के इस लेसन में हम लोग बात करते हैं विश्व की 10 सबसे बड़ी झीलों के बारे में, विश्व की 10 सबसे बड़ी झीलों के बारे में, और उनमें जो सबसे पहली झील है वो है कैस्पियन सी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सी के साथ में बॉर्डर बनाती हैं। तो आप देखिए नीचे से इस पोर्शन को, ये ईरान, ईरान टच कर रहा है, फिर ये तुर्कमेनिस्तान टच कर रहा है, इधर से कजाकिस्तान, ये हिस्सा रसिया का है और ये हिस्सा अजरबैजान का है। तो देर आर फाइव कंट्रीज विच शेयर द बाउंड्री विद दिस कैस्पियन सी। वन इज ये मॉस्को है, वन इज रसिया, देन दिस इज कजाकिस्तान, एंड दिस इज तुर्कमेनिस्तान, एंड दिस इज ईरान, एंड दिस इज अजरबैजान। सो देर आर फाइव कंट्रीज। तो कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी झील है, दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी है, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कैस्पियन सी है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि दुनिया की मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन है, तो वो है सुपीरियर। और सुपीरियर दुनिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लेकिन बड़ी झील के रूप में लेंगे तो सुपीरियर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील कहाँ है? तो सुपीरियर झील यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका में ये पोर्शन देखिए, दिस इज ये ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है, कनाडा और यूएसए के बीच में ये बॉर्डर लाइन है। और यहाँ पे ये एक झील है, इस झील का नाम है सुपीरियर झील। कैस्पियन सी के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी झील है वो है सुपीरियर झील। लेकिन जब बात होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन है, तो कैस्पियन सी। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, तो कैस्पियन सी। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, तो जवाब आएगा सुपीरियर झील। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील कौन है, तो ये सुपीरियर झील है। और तीसरे नंबर की झील को जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा इधर अफ्रीका में, और अफ्रीका में ये एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। और ये जो विक्टोरिया झील है ये युगांडा, तंजानिया और केनिया के बॉर्डर पे है। ठीक है, इसका जो एरिया है वो युगांडा, तंजानिया और केनिया तीनों देशों में पड़ता है। चौथे नंबर की जो सबसे बड़ी झील है वो है ह्यूरान, और ह्यूरान कहाँ पे है, ये सुपीरियर झील है। और इसके ऊपर जो ये झील है, दिस इज लेक ह्यूरान, ह्यूरान झील है। ह्यूरान झील दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील है। पहले नंबर पे कैस्पियन, दूसरे नंबर पे सुपीरियर, तीसरे नंबर पे विक्टोरिया, चौथे नंबर पे ह्यूरान। ह्यूरान के बाद ठीक इसी के नीचे ये है मिशिगन झील, मिशिगन झील। तो जो ह्यूरान था वो यूएसए कनाडा के बॉर्डर पे ही था, लेकिन ये मिशिगन झील पूरी तरह से यूएसए के अंदर है। ठीक है, इसके पास में शिकागो शहर है। तो ये मिशिगन झील पांचवें नंबर की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद है तंगानिका, छठे नंबर की जो सबसे बड़ी झील है वो है तंगानिका। और तंगानिका ठीक इसके नीचे है, जो सुपीरियर ये जो झील है विक्टोरिया झील ठीक इसके नीचे है। देखिए दिस इज तंगानिका झील, दिस इज ये विक्टोरिया झील है जहाँ से नील नदी का उद्गम होता है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी। और ये है हमारा लेक तंगानिका। जो लेक तंगानिका है वो इधर क्या है और इधर क्या है, ठीक है, इन दो कंट्री के बीच में है। और ये छठे नंबर की सबसे बड़ी झील है। कहाँ पड़ती है? आप देख रहे हैं यहाँ पे बुरंडी है, यहाँ पे तंजानिया है। ठीक है, इसके बाद जो सातवें नंबर की सबसे बड़ी झील है वो हमें कहाँ मिलेगी? उसके लिए फिर हमें उत्तरी अमेरिका में चलना पड़ेगा। सातवें नंबर की जो सबसे बड़ी झील है उत्तरी अमेरिका के अंदर, हमें कहाँ जाना पड़ेगा? कनाडा में। और कौन सी झील है? वो है ग्रेट बियर झील। कहाँ है? तो ये है ग्रेट बियर झील, दिस इज द ग्रेट बियर झील। आठवें नंबर की जो सबसे बड़ी झील है वो है बैकाल झील। इसके लिए हमें कहाँ चलना पड़ेगा? एशिया महाद्वीप के रसिया में।
एशिया महाद्वीप के रसिया वाले पार्ट में, दिस इज द रसिया पार्ट, और ये है बैकाल झील, लेक बैकाल। लेक बैकाल 8वें नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी झील है। 9वें नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन है? इसके लिए फिर हमें कहाँ चलना पड़ेगा? कनाडा में चलना पड़ेगा। सो लेट्स गो टू कनाडा। दिस इज द ग्रेट स्लेव लेक। जो ग्रेट स्लेव लेक है कनाडा की, वो 9वें नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी झील है। और एट लास्ट में यूएसए कनाडा के बॉर्डर पे जो झील है उसका नाम है इरी, वो है 10वें नंबर की सबसे बड़ी झील इरी। ये देखिए, ये है इरी, इरी लेक। ये दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी झील है। एक जनरल समरी हम ले लेते हैं। दुनिया की जो 10 बड़ी झीलें हैं उनमें कितनी झील हमें यहां पे मिल रही हैं? तो एक झील थी हमारी कौन? सुपीरियर। उसके बाद से कौन थी? सुपीरियर झील के बाद से कौन थी? ये ह्यूरॉन। ह्यूरॉन के बाद कौन सी झील थी? ये निचला पोर्शन मिशिगन। मिशिगन के बाद से कौन सी झील थी? तो ग्रेट बियर झील। उसके बाद से कौन था? तो ग्रेट स्लेव झील। और ग्रेट स्लेव झील के बाद से कौन था? ये इरी झील। तो कितनी झीलें हो गई? सुपीरियर 1, ह्यूरॉन 2, मिशिगन 3, ग्रेट बियर 4, ग्रेट स्लेव 5 और इरी 6। दुनिया की जो 10 सबसे बड़ी झीलें हैं उनमें से 6 झील कहाँ पे पाई जाती हैं? तो इस यूएसए और कनाडा में पाई जाती हैं। और जो बची हुई हैं, एक रसिया में बैकाल हो गया, विक्टोरिया और तंगानिका दो साउथ अफ्रीका में, मतलब अफ्रीका में हो गया, और एक एशिया के अंदर कैस्पियन सी हो गया। दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने देखा कि दुनिया की सबसे 10 बड़ी झीलों में सबसे पहली झील कौन सी है? तो यह है कैस्पियन सी। और दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है सुपीरियर झील। लेकिन इसमें जो सवाल पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन है, तो आप जवाब देंगे दिस कैस्पियन सी। और दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, तो उसका आपको जवाब देना होगा दिस सुपीरियर झील। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुपीरियर झील मतलब कैस्पियन सी के बाद दूसरी बड़ी, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपका जवाब भी यही होना चाहिए सुपीरियर झील। पांचों इन झीलों को मिलाकर के क्या नाम दिया गया है? ग्रेट लेक्स, ग्रेट झील। इन दिस लेसन इट्स टू मच। थैंक यू।